आज की हमारी ये कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी का नाम है हॉक्स द किडनैपिंग ऑफ शेरी पापिनी। कहानी शुरू होती है और हम रात के अंधेरे में एक औरत को बदहवासी की हालत में देखते हैं। वो वहां आने जाने वाले लोगों से मदद मांग रही थी। एक औरत अपनी कार रोकती है और उसे लिफ्ट देती है। वो उसकी डिटेल्स मांगती है। वो औरत अपना नाम शेरी पापिनी बताती है, जिसका 3 हफ्ते पहले किडनैप हो गया था। फिर हमें 3 हफ्ते पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां शेरी अपने पति कीथ के साथ इंटीमेट हो रही है। इनके तो बच्चे हैं और आज इनकी बेटी का जन्मदिन है। शेरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। पार्टी के दौरान बाउंसी कैसल गिर जाता है, लेकिन शेरी फुर्ती के साथ दोनों बच्चों को बचा लेती है। शेरी एक ऐसी औरत है जिसे वहाँ की सभी औरतें अपना रोल मॉडल मानती हैं और उसकी जैसी बनना चाहती हैं। इस हादसे की वजह से वो थोड़ी परेशान हो गई थी। कीथ उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, लेकिन शेरी काफी डिस्टर्ब लग रही है। कीथ उसे समझाता है कि शायद वो बाउंसी कैसल काफी चीप था, इसीलिए गिर गया। उनके बीच फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहस होती है, क्योंकि कीथ ने अभी अभी एक नया ट्रक खरीद लिया है। शेरी जॉब करना चाहती है ताकि कीथ की कुछ मदद कर सके, लेकिन कीथ कहता है कि उसे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बस अपने खर्चे कम करने की जरूरत है। शेरी मान जाती है। अगले दिन हमें शेरी को बच्चों के लिए लंच पैक करते हुए दिखाया जाता है। वो ही उन्हें डेली हॉबी क्लास छोड़ने जाया करती थी। हमें पता चलता है कि उनके घर के काफी बिल्स की पेमेंट अभी तक ड्यू है। उधर कीथ अपने बॉस से प्रमोशन की बात कर रहा है, लेकिन वो मना कर देते हैं। तभी उसे शेरी का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे घर जल्दी आने को कहती है ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके, लेकिन कीथ मना कर देता है। अब जब पति ने घर आने से मना कर दिया है, शेरी जॉगिंग करने के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर बाद उसका किडनैप हो जाता है। कीथ जब घर वापस आता है, उसे बीवी और बच्चे दोनों नहीं मिलते। शाम हो जाती है और तब उसे टीचर का फोन आता है और उसे पता चलता है कि शेरी ने बच्चों को पिक नहीं किया है। कीथ अपनी सासू माँ को बच्चे पिक करने के लिए कहता है और खुद शेरी के फोन की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसे शेरी का फोन और हेडफोन उसी जगह मिल जाता है जहां से उसका किडनैप हुआ था। कीथ परेशान हो जाता है और पुलिस को फोन करता है। डिटेक्टिव्स आते हैं और छानबीन शुरू हो जाती है। कीथ से पूछताछ की जाती है और कीथ उसके लास्ट मैसेज का जिक्र करता है, जिसमें शेरी उसके साथ इंटीमेट होने की ख्वाहिश जता रही थी। डिटेक्टिव जानना चाहती है कि क्या शेरी का बिहेवियर इन दिनों अलग था। कीथ क्लियर करता है कि उसे थोड़ी बहुत एंजाइटी थी। डिटेक्टिव को लगता है कि शेरी को जबरदस्ती गलत कामों के लिए किडनैप किया गया है। अगले सीन में हम एक वैन के अंदर शेरी को देखते हैं। उसके साथ एक आदमी भी था। उधर कीथ बच्चों से झूठ कहता है कि उनकी मम्मी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई है। और फिर हम शेरी को उसी आदमी के साथ उसके फ्लैट में देखते हैं, जिसका नाम है क्रिश। और किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका किडनैप हुआ है। उस फ्लैट में उसकी काफी सारी तस्वीरें थीं। उधर हम कीथ को घर के कामों के साथ स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। आज से बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आ गई थी। शहर भर में शेरी के गायब होने के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। कीथ मीडिया से बात करता है। शेरी को गायब हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शेरी तो क्रिश के साथ मजे में है। क्रिश जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, और शेरी ने अपनी सारी किडनैपिंग का प्लान सिर्फ और सिर्फ क्रिश के साथ मजे करने के लिए बनाया था। लेकिन शेरी अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। हमें क्रिश की बातों से पता चलता कि शेरी की माँ बचपन में उसे काफी मारती थी। उधर शेरी की माँ कीथ के घर उनकी हेल्प करने आ जाती है। हम शेरी को क्रिश का फ्लैट साफ करते हुए देखते हैं, जो कि काफी गंदा था। बीवी गायब हो तो पहला शक पति पर ही जाता है, इसलिए कीथ का लाइ डिटेक्टिव टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में वो पास हो गया था। शेरी रोज अपने बच्चों की तस्वीर देखा करती थी, उन्हें याद करती थी। वो टीवी पर कीथ के इंटरव्यूज भी देखती थी। शेरी क्रिश से उसे बाहर ले जाने को कहती है ताकि वो ताजी हवा ले सके, लेकिन क्रिश को लगता है कि इसमें खतरा है, वो पकड़े जा सकती हैं। कहीं ना कहीं शेरी क्रिश के इस घर से खुश नहीं थी। क्रिश उसे समझाता है कि ये बस स्टारर होम है, वो जल्द ही उसके लिए खूबसूरत घर बनाएगा। शेरी सारा दिन अपने गायब होने की न्यूज टीवी पर देखकर अपना दिन बिताती थी।
शैरी की मॉम भी शैरी के वापस आने की दुआ करती है। एक दिन क्रिस का कजन उसके घर आता है, क्योंकि क्रिस तो हफ्तों से हॉकी खेलने नहीं आया था। तभी उसके कजन की नज़र शैरी पर पड़ती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता और उसे लगता है कि वो क्रिस की गर्लफ्रेंड है। शैरी अब अपने बच्चों को पाना चाहती थी, जिसके लिए वो वापस जाने की बात करती है। वो ये भी क्लियर करती है कि वो दो बेडरूम के फ्लैट में रहकर मरना नहीं चाहती। ये सब सुनकर क्रिस उदास हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसे प्यार करती है। शैरी कहती है, ऑफ कोर्स आई लव यू बाबू। अब शैरी चाहती है कि लोगों को सच में ऐसा लगे कि उसका किडनैप हुआ है, जिसके लिए वो क्रिस को उसे टॉर्चर करने को कहती है। और क्रिस ना चाहते हुए भी उसके साथ वो सब करता है जो शैरी चाहती थी। और फिर हमें मूवी का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ शैरी सड़क के बीचों बीच लोगों से मदद मांग रही है। कीथ शैरी से मिलने आता है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। डिटेक्टिव्स की पूछताछ शुरू होती है और शैरी बताती है कि उसका किडनैप दो मैक्सिकन औरतों ने किया था, जिसमें से एक जवान थी और एक बुढ़ी, और उसे एक पोल से बांध कर रखा गया था। उन दोनों औरतों के हुलिये की डिटेल्स ली जाती है। साफ जाहिर है कि वो अपने पति और पुलिस वालों को गुमराह कर रही है, लेकिन डिटेक्टिव्स को शैरी की बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें इसके पीछे कुछ और ही कहानी लगती है। शैरी के आने पर सब लोग काफी खुश हैं। कीथ भी अब से उसका और ज्यादा ख्याल रखने की बात करता है। उधर डीएनए रिपोर्ट से डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि शैरी के कपड़ों में किसी भी औरत का डीएनए नहीं है, बल्कि उसके अंदर पहनने वाले कपड़ों में किसी आदमी का डीएनए मिला है, जो कि उसके पति कीथ का भी नहीं है। उधर कीथ चाहता है कि शैरी जॉब करे, उसके पास एक अच्छा ऑफर भी है और इससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर सकती है, लेकिन शैरी मना कर देती है और कहती है कि उसे बस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। और फिर जब वो दोनों इंटीमेट होने जा रहे थे, कीथ की नज़र शैरी के शरीर पर बनाए उस निशान पे जाती है जो उसे क्रिश ने दिया था और एक्सोडस लिखा हुआ था। शैरी बताती है कि बाइबल में एक्सोडस की एक कहानी है जो गुलामों के ऊपर है। शैरी सब कुछ भूल कर कीथ के साथ इंटीमेट होती है। डिटेक्टिव शैरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाते हैं। डिटेक्टिव को शैरी के बयान पर थोड़ा बहुत शक है। जब वो बताती है कि उसे शॉवर लेने की परमिशन थी, लेकिन पॉटी के लिए उसे बिल्ली के खाने का पॉट दिया जाता था और वो लोग स्पेनिश में बात करते थे, जो शैरी को समझ नहीं आती थी, जबकि शैरी कैलिफोर्निया में रहती है जहाँ स्पेनिश समझना नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग स्पेनिश जानते थे। शैरी जब अपनी मॉम के साथ एक कैफे में होती है, तब कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं कि वो शैरी की वजह से जान पाई है कि लड़कियों का यूं अकेले घूमना सेफ नहीं है। शैरी कहती है, चलो उसके साथ हुई इस भयानक घटना से किसी को तो फायदा हुआ। उधर उनकी एनिवर्सरी वाले दिन शैरी की फ्रेंड्स जानना चाहते हैं कि शैरी ने उन किडनैपर से फाइट बैक क्यों नहीं की। शैरी बताती है कि वो औरतें उससे काफी ज्यादा पावरफुल थीं, लेकिन उसकी फ्रेंड के हिसाब से उसने पुलिस को जो उन औरतों का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें वो औरतें शैरी से हाइट में छोटी थीं, जिनसे शैरी आसानी से निपट सकती थी। ये सारी बातें कीथ सुन रहा था। उधर डिटेक्टिव शैरी के एक्स हस्बैंड से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि उनकी शादी एक झूठ थी। शैरी ने बस मेडिकल इंश्योरेंस के लिए उससे शादी की थी, क्योंकि शैरी ने उसे बताया था कि उसे हार्ट मुरमुर की प्रॉब्लम है, और बाद में उसने बताया कि वो बार बार अपने अंडे डोनेट करती है पैसों के लिए। लेकिन सच क्या था ये तो उसे भी नहीं पता, क्योंकि शैरी झूठ का पुतला है और उसने अपनी मॉम के बारे में भी झूठ बोला था कि उसे मारती थी। अब डिटेक्टिव्स को इस केस में एक नई लीड मिली है और वो इस केस को नए सिरे से सॉल्व करने की तैयारी कर रहे हैं। उधर कीथ जानना चाहता था कि उन किडनैपर्स की हाइट और बॉडी फिजिक कैसी थी। शैरी कहती है कि वो पहले ही सब कुछ बता चुकी है, लेकिन कीथ को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। इस बार बार की तहकीकात से शैरी चिढ़ने लगती है, लेकिन फिर हम कीथ और शैरी को डिटेक्टिव के पास देखते हैं। डिटेक्टिव शैरी से अकेले में बात करना चाहती थी और कीथ के जाते ही वो उसे बताती है कि उसके पास पुलिस की एक रिपोर्ट है, जिसमें उसकी मां ने कंप्लेंट की है कि शैरी खुद को मार कर सबसे ये कहती थी कि उसकी माँ उस पर जुल्म करती है। शैरी कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और वहाँ से चली जाती है। फिर हम डिटेक्टिव को क्रिस के कजन के साथ देखते हैं और वो शैरी के बारे में सुनकर उनके पास आया था। वो डिटेक्टिव को बता देता है कि उन किडनैपिंग वाले दिनों में शैरी उसके कजन क्रिस के फ्लैट में थी और वो दोनों स्कूल टाइम से रिलेशनशिप में हैं। डिटेक्टिव क्रिस के घर के बाहर निगरानी रखते हैं और जब क्रिस कूड़ा फेंककर वापस चला जाता है, डिटेक्टिव उसके फिंगरप्रिंट वाली एक बॉटल को एग्जामिन के लिए उठा लेती है। क्रिस को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहां वो एडमिट करता है कि शैरी उन दिनों उसी के साथ थी और
किडनैपिंग का प्लान शैरी का था। शैरी ने उसे बताया था कि उसका हस्बैंड उसे मारता पीटता है। क्रिस उससे शादी करना चाहता था, लेकिन तब वो काफी इमेच्योर था और शैरी उसे छोड़कर चली गई। उनकी रिलेशनशिप बस 6 महीने की थी। और फिर हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि उस किडनैपिंग वाले दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्रिस डिटेक्टिव से बताता है कि उसकी माँ भी शैरी को बहुत मारती थी। ये सुनकर डिटेक्टिव उसे क्लियर करती है कि शैरी को ना तो उसका पति और ना ही उसकी माँ मारती थी, बल्कि ये सब एक सफेद झूठ था। उसने बस क्रिस की सिंपति पाने के लिए उसे झूठ कहा। ये जानने के बाद क्रिस को समझ आ जाता है कि शैरी ने बस उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्रिस शैरी से गुस्सा नहीं है, वो उसे अभी भी प्यार करता है। क्रिस जानना चाहता है कि क्या अब उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। डिटेक्टिव बताती है कि शादीशुदा औरत का किसी के साथ भाग जाना गैर कानूनी नहीं है, बल्कि बेवकूफी है। कीच शैरी को बताता है कि पुलिस का फोन आया था और शायद उन्होंने शैरी के किडनैपर्स को ढूंढ लिया है। और फिर डिटेक्टिव कीथ और शैरी को क्रिस की फोटो दिखाती है और कहती है कि किसी ने शैरी को क्रिस के अपार्टमेंट में देखा था और ये सब किडनैपिंग का एक झूठा नाटक रचा था शैरी ने। लेकिन शैरी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। डिटेक्टिव बताती है कि शैरी के कपड़ों से उसे जो डीएनए मिला था वो क्रिस के डीएनए से मैच करता है और क्रिस ने भी सब कुछ कबूल कर लिया है। क्रिस ने ये भी बताया है कि कीच शैरी को मारता पीटता है। ये सुनने के बाद कीच शॉक्ड हो जाता है। शैरी लॉयर से बात करने की मांग करती है, लेकिन कीच उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। डिटेक्टिव कहती है कि शैरी ने ये सब ड्रामा करके उन असली विक्टिम्स के साथ ज्यादती की है जो असल में इस तरह के क्राइम का शिकार होते हैं। 2 दिन बाद जब शैरी अपने बच्चों को हॉपी क्लास छोड़ने आती है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। कीच शैरी को डाइवोर्स देकर बच्चों की कस्टडी लेना चाहता है। शैरी उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो जो जिंदगी जी रही थी उसमें खुश नहीं थी। कीत भी उसे टाइम नहीं देता था और वो दिन बाद दिन इनविजिबल फील करने लगी थी। शैरी को अभी भी लगता है कि वो विक्टिम है। डिटेक्टिव प्रेस वालों के सामने बताती है कि वो सभी लोग इस शहर में सेफ हैं। शैरी की झूठी किडनैपिंग की वजह से उन सबको जो सहना पड़ा है उसके लिए शैरी जिम्मेदार है, जिसने अटेंशन पाने के लिए ये सब किडनैपिंग का नाटक किया। कोर्ट में शैरी अपने कर्मों की माफी मांगती है। कोर्ट द्वारा उसे 18 महीने की सजा दी जाती है और 36 महीने के लिए सुपरवाइज्ड प्रोबेशन के लिए कहा जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शैरी सोसाइटी में रहने के लिए सेफ है कि नहीं। जज कहता है कि अगर वो पकड़ी नहीं जाती तो वो अपने इस झूठ को आगे तक ले जाती। उसके बाद हम शैरी को उसके थेरेपी सेशन में देखते हैं, जहां वो थेरेपिस्ट से कहती है कि भगवान आपको वो नहीं देता जो आप संभाल ना पाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि जब शैरी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए ये सब किडनैपिंग का नाटक किया, तो वो वापस अपने पति के पास क्यों आ गई? पहला रीजन तो है उसके बच्चे, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। और दूसरा रीजन ये था कि उसे लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के आलीशान घर में खुशी से रहेगी। लेकिन जब उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड एक नॉर्मल से फ्लैट में रहता है, उसका आलीशान जिंदगी जीने का सपना चकनाचूर हो गया और वो वापस अपने पति के पास आ गई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।